तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि अभी मैं खाने में क्या बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत ही मन कर रहा था सब्जी चावल बनाने का, तो मुझे कोई एक बीच का रास्ता निकालना था। दाल मेरे पास पहले से बनी हुई है तो मैं उसको फ्राई कर दूंगी, चावल बना दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में रोटी और पराठा बहुत हो गया है तो बच्चे दोबारा उसे नहीं खाएंगे, मुझे मालूम है, तो चावल ही खाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू, और ये है मेरा लहसुन, और मैं लूँगी प्याज। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं बनाऊँगी आलू दम, लेकिन मैं उसको जो फॉक करके उसका जो पूरा ट्रेडिशनल टाइप से बनाते हैं वैसे नहीं बनाऊंगी, मैं इसको कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को भी खिलाना है और अपने आप को भी मतलब खिलाना है, तो मेरा भी टेस्ट रह जाए और उनका भी हो जाए, क्योंकि उनको बहुत ग्रेवी वाली सब्जी नहीं अच्छी लगेगी दाल के साथ, तो और मेरा सब्जी चावल भी हो जाएगा। तो मैं आलू को छील लूँगी और इसको बड़े बड़े पीसेस में करके इसमें मस्त गरम मसाले डाल के, बहुत सारा प्याज लहसुन डाल करके अच्छे से इसको बनाऊँगी, और जो मतलब जो रसेदार होगा ना पार्ट उसको मैं निकाल लूँगी अपने लिए, और बच्चों के लिए उसको ड्राई कर दूँगी अच्छा सा, एकदम झूर झूर एकदम क्रिस्पी सा उसको फ्राई कर दूँगी, जिससे कि बच्चे भी खा लेंगे दाल चावल के साथ, उनको भी अच्छा लगेगा, और इस तरीके से मेरा दोनों पर्पज़ पूरा हो जाएगा, वरना फिर मुझे दो दो सब्जियाँ बनानी पड़ती। और फ्रेंड्स मुझे इतना मन कर रहा है ना कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं यही बनाऊंगी लंच में, और बच्चों के साथ मिलके खाऊंगी। आप लोग कैसे